सो हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट की एक नई वीडियो के साथ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए ड्रोन ऐड ऑन। जी हाँ, काफ़ी अच्छा ऐड ऑन है। अगर आप भी अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ड्रोन को उड़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ड्रोन ऐड ऑन को कैसे प्ले कर सकते हैं। भाई साहब, ये काफ़ी अच्छा ऐड ऑन है और ये कल ही रिलीज हुआ। मैं इसके इंतजार में बहुत दिनों से वेट कर रहा था। भाई साहब, एकदम मस्त है। जैसा कि आपने शुरुआत में वीडियो देख ही लिया होगा, इसमें फुल एकदम ओपी ड्रोन जैसा है, फुल सेम टू सेम। यहाँ देखो, यहाँ पर एक मैंने ड्रोन लगा रखा है और इसके साथ आपको कंट्रोलर भी मिलेगा जिससे आप इसको उड़ा पाएंगे। एकदम रियल वाली फीलिंग आती है। देखो भाई साहब, इसके पंखे भी चल रहे हैं और उड़ता भी है और काफ़ी अच्छा लगता है ये देखो। और जो भी इसका एनिमेशन आता है सब कुछ आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा ऐड ऑन है। मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये कल ही रिलीज हुआ और भाई मैं इसके काफ़ी इंतजार से था। मेरे को पता था कि ये रिलीज होने वाला था, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि कब ये रिलीज हो और कब मैं आप लोगों को बताऊं। भाई सब बहुत ही अच्छा ऐड ऑन है। अगर आपने इसको एक बार नहीं प्ले किया तो एक बार जरूर इसको प्ले कर लेना। पहले तो ये देखो भाई साहब, कितना स्मूथ है और जो इसकी साउंड आती है भाई साहब, एक नंबर। और हाँ, देख ही सकते हैं, एकदम रियलिस्टिक फीलिंग देगा आपको, जैसा कि लगेगा कि आप सही में ड्रोन उड़ा रहे हैं। ये देखो, आपको कंट्रोलर्स भी मिल जाएगा। इन कंट्रोलर्स के साथ आप कैसे भी इसको मूव कर सकते हैं, एक जगह आप खड़े खड़े कहीं भी आप जा सकते हैं। और हाँ, आप इसको सर्वाइवल में खेल सकते हैं। जी हाँ, सर्वाइवल के लिए बना हुआ। आप सर्वाइवल में भी खेल सकते हैं, क्रिएटिव में भी खेल सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हैं। और इसमें से आपको TNT भी नीचे गिरेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, यहाँ पर आप मूव कर सकते हो आराम से। आप थर्ड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में कैसे भी आप खेल सकते हैं। ये देखो कैसे जा रहा है, मैं एक जगह खड़ा रहूँगा और ये जाएगा। सो गए, तो है ना काफ़ी अच्छा ऐड ऑन। अगर आपको भी अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ड्रोन ऐड ऑन प्ले करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे इसको प्ले करना होता है और क्या क्या इसमें आपको करना है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाओ। ये देखो ड्रोन ऐड ऑन, और देखो कल ही रिलीज हुआ, काफ़ी अच्छा है, देख ही सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, देखो कैसे इसको क्लिक करना होता है, सब कुछ फुल गाइड बता रखा है, आप देख लेना। और डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ MC ऐड ऑन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको कर लेना, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी कर लिया है। इसके बाद आपको प्ले स्टोर से ये ZArchiver एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको उस फाइल के पास जाना है, तो जाता हूँ उस फाइल के पास। ये देखो यहाँ पर है ड्रोन ऐड ऑन। अब आपको क्या करना है, पहले तो रीनेम करना है, ठीक है ना। तो इसको 2 सेकंड होल्ड करो। होल्ड करने के बाद आपको रीनेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और इसको यहाँ से लास्ट वाला .gp ये हटा देना, ओके करना। ओके करने के बाद इस फाइल पर क्लिक करो या एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और यहाँ माइनक्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका माइनक्राफ्ट ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो मेरा माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद देख सकते हो ऊपर लिखा रहा है इम्पोर्ट स्टार्टेड एंड यहाँ देखना सक्सेसफुल। ये देखो पहले बिहेवियर हमारा सक्सेसफुल हो चुका, अब हमारा होगा रिसोर्स। तो ये देखो रिसोर्स भी सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना है। आप चाहे तो पुराने वर्ल्ड में भी कर सकते हैं, या मैं इस वर्ल्ड को करता हूँ क्रिएटिव, आप इसको सर्वाइवर में भी कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। मेन चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाना है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल्स में आपको ये तीनों चीज़ें ऑन कर देनी है, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें ऑन कर देना, उसके बाद लेफ्ट साइड में स्वाइप अप करो, रिसोर्स पैक में जाओ, माई पैक्स में जाके यहाँ से इसको एक्टिवेट कर दो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, बिहेवियर में जाना है, तो यहाँ से बिहेवियर में जाओ, माई पैक्स में जाओ और यहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर दो। तो ये देखो इसमें भी एक्टिवेट है एंड ये देखो इसमें भी एक्टिवेट है, ठीक है ना। अब आपको सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वर्ल्ड को जनरेट कर लेना है। तो ये देखो मेरा वर्ल्ड जनरेट हो चुका है और यहाँ मैं अभी जंगल बायो में हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं एक अच्छी जगह चले जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना इन्वेंटरी खोलना है। तो यहाँ पर मैं अपना इन्वेंटरी खोल लेता हूँ। इन्वेंटरी खोलने के बाद आपको सिंपली ये वाले लास्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। आप नीचे इसमें भी जाएंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जाना है स्पॉन एक्स में जाना है और जैसे नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर आपको ड्रोन दिख जाएगा और उसके साथ साथ कंट्रोलर। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये दोनों चीज़ ले लेना। इसके बाद ये देखो मेरे पास मेरा ड्रोन आ चुका है। भाई सब क्या ही मस्त लग रहा है ना हाथ में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको उड़ाना है। तो सिंपली पहले इसको नीचे रखो और ये देखो भाई साहब क्या ही ड्रोन लग रहा है, देख रहा हूँ ना, ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा ये ड्रोन है। ये देखो, देख ही सकते हैं, बहुत ही मस्त है। और उड़ाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो है ना कंट्रोलर, आपको सिंपली कंट्रोलर को पहले हाथ में ले लेना और एक बार नीचे टैप करना है। जैसे करोगे तो ये देखो चालू हो जाएगा और ये देखो भाई साहब क्या ही साउंड आई है ना। ये देखो
यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ऊपर जाने का, नीचे जाने का, लेफ्ट राइट अप डाउन सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके इसको अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मूव आगे पीछे जैसे आप कर सकते हैं। यहाँ देखो TNT का भी है, और इसको पहले अप करते हैं, ये देखो ऊपर गया। अब इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, ओके चलो अब इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कहीं पर आप ले जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा एडवांस है ये देखो। ओके तो चलो मैं इसको थोड़ा लेफ्ट घुमाता हूँ, ओके देखो लेफ्ट घूम गया, और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ, ये देखो आगे जा रहा है, देखो 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 कैसे आगे जा रहा है, देखो भाई सब गोल गोल घूम रहा है। मैंने इसको लेफ्ट और आगे बढ़ा दिया इसीलिए, अटका दिया इसीलिए गोल गोल घूम रहा है। इसको हटाते हैं अब, चलो थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं, और TNT कुछ गिराते हैं नीचे से, थोड़ा सा ऊपर करो इसको, ओके नीचे चला गया थोड़ा सा, इसको हटाओ इसको, और इसको ये देखो देख रहे हो ना क्या ही मस्त लग रहा है ना भाई साहब। ऊपर करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको बीच में अटकाते हैं, एंड थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के इसमें TNT थोड़ा नीचे गिराते हैं, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मूव के यहाँ पर रुक जाओ, और यहाँ से मैं TNT इस पर गिराता हूँ, ये देखो TNT है, ये देखो TNT नीचे गिर रहा है, पानी में तो कोई डैमेज होगा नहीं, ये देखो भाई साहब एक नंबर भाई साहब, काफ़ी मस्त है। अब अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हैं और उनके साथ ट्रोलिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये देखो आगे जा रहा है, और भाई साहब काफ़ी अच्छी है, और इसका साउंड भी काफ़ी मस्त है, एकदम रियलिस्टिक वाली फीलिंग देगा आपको। ये देखो गोल गोल घुमाता हूँ मैं इसको, देख रहे हो ना आप, इसको कहीं से भी एक जगह खड़े रह के भी आप कर सकते हैं। इसको मैंने ऑफ कर दिया, ये देखो नीचे गिर गया, ये देख रहे हो ऑफ हो गया, ये देखो अब इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। चलो मैं दूसरा वाला स्पॉन करता हूँ, आप एक साथ 2-3 भी उड़ा सकते हैं, तो यहाँ से मैं दूसरा वाला एक निकाल लेता हूँ। ओके ये देखो यहाँ से ये निकाला, इसको प्लेस करता हूँ और ऑन करता हूँ, एंड ये देखो स्टार्ट भी हो चुका भाई साहब, क्या ही मस्त, आप करो देख रहे हो क्या ही मस्त लग रहा है। चलो यहाँ पर भी कुछ TNT फोड़ते हैं, देखो TNT फूटेगा, और ड्रोन का भी डैमेज होता है भाई, देखो ड्रोन मेरा गया खत्म, ड्रोन खत्म हो गया भाई साहब, ड्रोन भी हट गया, कोई बात नहीं दूसरा ड्रोन निकाल लेते हैं हम लोग। चलो 2-3 ड्रोन्स और निकाल लेते हैं इसमें से, और मैं आपको एक साथ 2 ड्रोन उड़ा के दिखाऊंगा, एक यहाँ रखा और एक को यहाँ पर रखता हूँ, के दोनों एक साथ भी उड़ते हैं। चलो इसको उड़ाया एंड दोनों को उड़ाते हैं, ये देखो भाई साहब क्या ही मस्त लग रहा है ना, ये देखो दोनों साथ में क्या ही मस्त उड़ रहे हैं। तो गाइस तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।